अस्सलामुअलैकुम गाइस, अर्ली इन द मॉर्निंग है, 16वां रोज़ा है और मैं खैबर बाज़ार की तरफ जा रहा हूँ। एक तो मास्क नहीं है मेरे पास, पता नहीं कल कहीं पे गिर गया था मुझसे। दूसरा एटीएम मशीन की तरफ जाना है क्योंकि अभी एक ही दिन पिछले रोज़ सैलरी आई है, तो वहाँ से कुछ पैसे वगैरह भी चाहिए। तकरीबन 9 बजे हैं, 9:10 है और चूँकि रमज़ान का महीना है, ज़्यादातर लोग छुट्टी पे होते हैं, ज़्यादातर काम करते नहीं, और मज़दूरी वगैरह जो लोग दिहाड़ीदार होते हैं या मज़दूर होते हैं उनका काम शाम को या रात के वक्त होता है। मैं इस वक्त खैबर बाज़ार में हूँ और पहले तो मैंने मास्क खरीदना है, लेकिन मास्क मैंने किसी मेडिकल स्टोर से ख़रीदना है, ना कि ऐसे ही किसी अगर कोई रास्ते में खड़ा है। ऐसे यार ऐसे चलता नहीं, क्योंकि अगर मैंने रास्ते में किसी से ख़रीद लिया तो उसमें वो सारे जरासीम उस पर आ जाएंगे। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि एक मास्क मैं ख़रीद लूँ किसी मेडिकल स्टोर से, लेकिन चूँकि बहुत अर्ली है तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेडिकल स्टोर खुला होगा। बहरहाल मेरी अपनी कोशिश होगी, ये खैबर बाज़ार है, रश ना होने के बराबर है, नहीं तो यहाँ पे पैदल चलना भी बहुत ज़्यादा दुश्वार और मुश्किल है। पहले मैं ज़रा एटीएम की तरफ चला जाऊँ। हाँ शुक्र है एटीएम तो बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है, लेकिन खुदा करे कि ये एटीएम सही हो, नहीं तो जब भी मैं आया हूँ एटीएम ख़राब ही मुझे मिला है। तो पहले एटीएम की तरफ जाते हैं अगर मास्क खरीदते हैं। अच्छा अभी 2 बंदे अंदर हैं, वो मेरे ख्याल से वो भी विड्रॉल कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बैंक ऑफ खैबर के एटीएम में अगर से 2 बंदे अंदर हैं तो इसका मतलब यही है कि एटीएम ठीक ही है, नहीं तो अक्सर ही और बेशतर ही ये मुझे ख़राबी मिले, तो वेट करते हैं थोड़ा। अच्छा जी, एटीएम तो इस्तेमाल हो गया है लेकिन मास्क अभी मिला नहीं, और तो मुझे मजबूरन यहीं पे किसी से रास्ते में ख़रीदना होगी ये मास्क। उसकी वजह ये कि मेडिकल स्टोर अभी खुले नहीं है। तो इस वक्त मैं खैबर बाज़ार से वापस अपने ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, और गर्मी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आते हुए तो मैंने एसी लगा दिया था, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है। रोज़ी की वजह से अक्सर लोगों को बड़ी कमज़ोरी थी, ये सीढ़ी पे मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा। उसकी वजह यह है कि तकरीबन नहीं बल्कि 16वां रोज़ा है आज, और बाज़ दफ़े ऐसा होता है कि रोज़े की वजह से इंसान में थोड़ी सी कमज़ोरी आ जाती है। उसको कवर करने के लिए आपको चाहिए कि एनर्जी से भरपूर ड्रिंक आप ले। तो अब भी ऑफिस की तरफ चलते हैं, और अल्लाह करे कि कोई मास्क वाला मुझे मिल जाए तो वहाँ से कोई मास्क ख़रीद ले। अल्लाह इन सब का हामी नासिब हो। ये लंबी कतार आप देख सकते हैं, पता नहीं लोग किस चीज़ के लिए इतनी लंबी कतार में खड़े हैं। अल्लाह इन सब का हामी नासिब हो, क्योंकि एक तरफ रोज़ा, दूसरी तरफ गर्मी है, और तीसरा एक एक बहुत लंबी कतार। तो अल्लाह इन सब का हामी नासिब हो, अल्लाह सब की मदद फरमाए। ये आप देख सकते हैं रेलवे लाइन, और रेलवे लाइन ये इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, और ये एन खैबर बाज़ार के ऊपर ये जो पुल है मैं उस पर इसको क्रॉस कर रहा हूँ। अच्छा लकीली मुझे सड़क की दूसरी जानब एक छोटा बच्चा नज़र आ गया है, मैं जाके बल्कि नहीं इस तरफ भी है, हाँ इस तरफ है, चलिए इस तरफ चलते हैं और मास्क इसी ख़रीदते हैं। मैंने मास्क ख़रीदा था लेकिन यार वो गाड़ी से उतरते हुए कहीं से गिर गया है और मुझे पता ही नहीं चला, 2 दिन पहले मास्क ख़रीदा था। तो चलिए इस बच्चे से मास्क ख़रीदते हैं। चलिए शुक्र है जनाब, मास्क मुझे मिल गई है और अभी टेंशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि मास्क ना पहनने की वजह से मामला थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। अच्छा जी, ऑफिस एंटर हो चुका हूँ मैं, गर्मी से बुरा हाल है, एसी मैंने लगाया है, इंशाल्लाह कूलिंग हो चुकी होगी मुकम्मल ज़बरदस्त, क्योंकि मेरा जो ऑफिस है, मेरा जो दफ्तर है वो साउंड प्रूफ है, उस वजह से भी माहौल थोड़ा सा ठंडा होता है। एंटरिंग माय ऑफिस, हाँ
माहौल बड़ा ज़बरदस्त है। एट लास्ट मैं पहुंच गया हूँ। अच्छा, आप लोगों के लिए मैं एक एडवांस में ख़बर देना चाहता हूँ कि आज रात को हमारी मस्जिद में ख़त्मुल कुरान है, तो उसी वजह से इंशाल्लाह रात की वीडियो मैं अपलोड करूँगा। और रात की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसमें शिरकत करनी है। वीडियो यहाँ तक। इंशाल्लाह शाम को मिलेंगे ख़त्मुल कुरान में, और उसकी पूरी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड होगी चुप चुपा के, क्योंकि मस्जिद के अंदर हो सकता है वीडियो अपलोड करने पे कोई बुरा मान जाए, तो चुप चुपा के वीडियो अपलोड होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह शाम को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी, यस, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ यार। अरे जाए यहाँ से। अरे बन जाओ यार, प्लीज यार। तुझे बॉयफ्रेंड बनाने से अच्छा जहर खा के ना मर जाऊँ। लड़कियाँ होती ऐसी है, मर जाएंगी पर किसी गरीब का भला नहीं करेंगी।